ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू संवेदा क्लासेस जमात दाहम का सबक है ये साइंस से सबक का नाम है हमारा माहौल और ये दूसरा वक्फा है तो मैं अतिया बानो पी असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल इजेरे से ताल्लुका जेवरगी कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो बच्चों हमने पिछली क्लास में हमारे माहौल के मुताल्लुक कुछ जानकारी हासिल की थी। हमारा माहौल यानी हमारे अतराफ पाए जाने वाले चीज़ों को माहौल कहते हैं। हमारे अतराफ कई जानदार अशिया भी मौजूद हैं और बेजान अशिया भी मौजूद हैं, तो उन सारों को मिलाकर माहौल बनता है। तो पिछली क्लास में हमने जो जो पढ़ा था आइए उसका कुछ यादा कर लें। तो क्या पढ़ा था पहले हमने, माहौल क्या है, माहौल किसे कहते हैं, इसके बारे में मालूमात हासिल की थी। माहौल हमारे अतराफ पाए जाने वाले चीज़ों को कहते हैं, यानी क्या है माहौल, माहौल हमारे अतराफ पाए जाने वाली चीज़ों को माहौल कहते हैं। माहौल में जानदार अज्जा भी शामिल हैं, जैसे नबातात हैं, उनको खाने वाले हैवानात, ये सारे ठीक है ना, इनको तहलील करने वाले तहलीलगार, ये सारे क्या है, जानदार अज़ुए हैं उसमें। और माहौल का बेजान हिस्सा जो है, जैसे मिट्टी, पानी, दर्जे हरारत, हवा, ये सारे बेजान चीज़ें हैं माहौल के। तो दोनों हयातियाती और गैर हयातियाती अवामिल मिलकर माहौल बनते हैं। तो माहौलियाती निज़ाम क्या है, ठीक है बच्चों, माहौल का किसी एक खित्ता जो बाहमी अमल करता है हयातियाती और गैर हयातियाती अज्जा के साथ, तो वो माहौलियाती निज़ाम की तश्कील करता है। तो माहौलियाती निज़ाम के अज्जा कौन से हैं बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, वो है माहौलियाती निज़ाम के दो किस्म के अज्जा हैं। पहला है हयातियाती जुज़ और दूसरा है गैर हयातियाती जुज़। हयातियाती जुज़ में तमाम जानदार शामिल हैं और गैर हयातियाती जुज़ में मिट्टी, दर्जे हरारत, पानी, ये सारी शामिल हैं। तो उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था, माहौलियाती, उसके बाद जो हमने मुताला किया था वो है माहौलियाती निज़ाम। माहौलियाती निज़ाम क्या है और उसकी कितनी किस्में हैं, तो माहौलियाती निज़ाम की दो किस्में हैं, या ये कुदरती तौर पर पाए गए हैं या इंसान के ज़रिए बनाए गए हैं, इस बिना पर उसकी दो किस्में हैं। तो जानदारों को क्या है, फिर से प्रोड्यूसर, सार्फीन और तहलीलगार में दर्जाबंदी की गई थी। तो इसकी बुनियाद क्या थी, ये ग़िज़ा किस तरीके से हासिल करते हैं। अगर पौधे हैं, सब्ज़ पौधे और कुछ आलगाई क्लोरोफिल की मौजूदगी से अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, तो वो प्रोड्यूसर्स हैं। दूसरे किस्म के जो जानदार हैं वो है सार्फिन, यानी अपनी ग़िज़ा वो दूसरों से हासिल करते हैं। और तीसरे जो दर्जा है वो है तहलीलगर, यानी ये क्या करते हैं, दूसरे बाक़ियात को, मरे हुए बाक़ियात को और फजलात को तहलील करके मिट्टी में तब्दील कर देते हैं, सादा मुरक्कबात से वो मिट्टी में शामिल हो जाते हैं, तो ये हैं तहलीलगर। तो सार्फों को मुख्तलिफ़ दर्जों में तकसीम किया गया है, जैसे नबातात खोर, गोश्त खोर, हमा खोर और तुफेलिया। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों, सार्फों के मुख्तलिफ़ दर्जे, तो इनको नबातात खोर कहते हैं अगर वो नबातात को अपनी ग़िज़ा बना रहे हैं, यानी नबातात से अपनी ग़िज़ा खा रहे हैं, उनके पत्तियां खा रहे हैं या
उनके पेड़ पौधे खा रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, नबातात खोर कहते हैं। मिसाल इसकी थी गाय, टिड्डा, बकरी, हिरन, ये सारे क्या हैं, अपने ग़िज़ा दूसरों से नबातात से हासिल कर रहे हैं तो ये नबातात खोर हैं। गोश्त खोर क्या हैं, ये अपने ग़िज़ा दूसरे जानवरों को मार के अपने ग़िज़ा हासिल करते हैं तो ये गोश्त खोर हैं। और तीसरा दर्जा जो है वो है हमा खोर। बाज़ जानदार ऐसे होते हैं जो नबातात और हैवानात दोनों को खाते हैं तो उनको हमाखोर कहते हैं। तुफेलिया जो है ये और एक किस्म के सार्फों की एक जमात है जो क्या है, जानवरों को नुकसान उनके साथ रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचा के अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। तो सार्फों के मुख्तलिफ दर्जे यूँ थे बच्चे, नबातात खोर, गोश्त खोर, हमाखोर और तुफेलिया। तो आखिरी में हमने पिछले क्लास में जाना था ग़िज़ाई जंजीर क्या है, यानी क्या है, जानवरों का सिलसिला जिसमें एक जानदार दूसरे जानवरों की ग़िज़ा बन रहा है, इसे ग़िज़ाई जंजीर कहते हैं। और ग़िज़ाई जाल जो है कुदरती तौर पर पाए जाने वाला ग़िज़ाई जंजीर के जगह अगर इस रिश्ते को एक शाखदार लाइन से ज़ाहिर करें हम, ठीक है नहीं, यानी कौन सा जानदार किसकी ग़िज़ा बन रहा है और उससे उसके ज़रिए वो दूसरों की किस तरह से ग़िज़ा बन रहा है, तो इसको एक शाखदार लाइन से हम ज़ाहिर करें तो इसे ग़िज़ाई जाल कहते हैं। तो ये था बच्चों पिछले क्लास के कुछ अहम नुक्कात। तो आइए आज के क्लास के अहम नुक्कात कुछ इस तरीके से हैं। हयातियाती तकबीर क्या है जानेंगे हम लोग, ओज़ोन परत क्या है इसके बारे में जानेंगे, और ये किस तरीके से पतली हो रही है इसके बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद फजलात का इंतज़ाम, यानी हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फजलात को पैदा करके माहौल में जमा रहे हैं, माहौल में खारिज कर रहे हैं, तो उस फजलात का इंतज़ाम किस तरीके से होना है वो बताना है। और उसके बाद क्या है, फजलात में दो किस्में हैं, हयातियाती तनज़ुल पज़ीर अशिया और गैर हयातियाती तनज़ुल पज़ीर अशिया के दरमियान फ़र्क को हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला जो इसका अहम जो पॉइंट है वो हयातियाती तकबीर क्या है ये समझने की कोशिश करें। हयातियाती तकबीर या बायो मैग्निफिकेशन यानी ऐसी ग़िज़ाई जंजीर है जिसके हर मरहले में जहरीली कीमियाई अशियाओं का इर्तिकास बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है यहाँ पे, आप एक ग़िज़ाई जंजीर को तसव्वुर करो, वहाँ पे देखो इब्तदाई तग़ज़ियाई दर्जा कौन सा था, वहाँ पे थे नबातात, इब्तदाई ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, तो वो क्या थे, इब्तदाई तग़ज़ियाई दर्जा जो था वो नबातात थे। तो अगर समझो कीड़े मार दवाइयाँ या DDT का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं तो वो क्या हो जाते हैं, पौधों के ज़रिए जज्ब कर लिए जाते हैं। तो वो कहाँ पे मौजूद थे, वो माहौल में मौजूद थे, तो पौधे कहाँ, वहाँ से जज्ब कर लिए। तो जब इन पौधों को इब्तदाई सार्फ खाते हैं जैसे कि बकरी गाय, तो इनका इर्तिकास, ठीक है नहीं, कीड़े मार दवाइयों का इर्तिकास झाड़ियों से ज़्यादा इब्तदाई सार्फ में पाया जाता है, ठीक है नहीं। तो क्या ऐसे ही अगर इब्तदाई सार्फ के बाद दूसरे दर्जे के तग़ज़ियाई दर्जे में और इर्तिकास बढ़ जाता है, किसका, इन गैर हयातियाती तनज़ुल पज़ीर का इर्तिकास जैसे कि DDT और कीड़े मार दवाइयाँ, इनका इर्तिकास हमेशा ही क्या है, बढ़ता ही चला जाता है, इस मुजाहरे को हयातियाती तकबीर कहते हैं। समझ लिया बच्चे आप लोगों ने, चलिए मैं फिर से दोहराती हूँ। यहाँ क्या होता है, इब्तदाई सार्फ से फिर सानवी सार्फ में सानवी सार्फ पे तीसरे दर्जे के सार्फिन में क्या है, इन जहरीली अशियाओं का इर्तिकास बढ़ता ही चला जाता है। मिसाल के तौर पर देखो यहाँ पे DDT है, कीड़े मार दवाइयाँ हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं ना बच्चों हम लोग, तो क्या हो जाते हैं, ये पानी में घुल मिल जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है नहीं। जब इसका इस्तेमाल हम लोगों ने किया तो ये पानी में घुल कर तालाब में चले जाते हैं, या अगर मिट्टी में है तो मिट्टी में ही रह जाते हैं। तो मिट्टी से ये पौधों के ज़रिए जज्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है बच्चों, इन जहरीले अशियाओं को पौधे जज्ब कर लेते हैं। जब इन पौधों को इब्तदाई सार्फ खाते हैं तो इर्तिकाज इनका बढ़ जाता है,
क्योंकि ये हमेशा ही क्या है, वही ग़िज़ा को खाते रहते हैं। तो इब्तदाई ग़िज़ा पौधों से इब्तदाई साफ में इनका इर्तिकास बढ़ता है, इब्तदाई साफ से सानवी साफ में और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी तरीके से तीसरे दर्जे के तग़ज़ियाई दर्जे में इनका इर्तिकास और बढ़ जाता है। तो इस मुजाहरे को हयातियाती तकबीर कहते हैं। आइए ये शक्ल के ज़रिए और अच्छे से समझने की इसे कोशिश करें। बच्चों ये पहले दर्जे का ये तग़ज़ियाई दर्जा है, यानी कि प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे बताया गया है नहीं, तो वहाँ पे क्या है, कीमियाई अशिया का इर्तिकास कम है। किन में? प्रोड्यूसर्स में। जैसे ही इसे पहले दर्जे के सार्फ खाते हैं तो ये पहले तग़ज़ियाई दर्जे के मुकाबले में उसमें क्या है, कीमियाई अशिया का इर्तिकास बढ़ जाता है। ठीक है न, प्रोड्यूसर्स से ज़्यादा कीमियाई अशिया का इर्तिकास बढ़ जाता है पहले दर्जे के सार्फ में। तो उसके बाद दूसरे दर्जे के सार्फ में उसका इर्तिकास और बढ़ जाता है, जैसे कि स्क्रीन पे बताया जा रहा है, और इसी तरीके से तीसरे और चौथे में और ज़्यादा इर्तिकास बढ़ जाता है। तो इस मुजाहरे को यहाँ पे क्या हो रहा है, कीमियाई अशियाओं का इर्तिकास बढ़ रहा है हर तग़ज़ियाती दर्जे के साथ। ठीक है नहीं, हर तग़ज़ियाती दर्जे के साथ कीमियाई अशियाओं का इर्तिकास बढ़ता ही जा रहा है। तो इसको कहते हैं, इस मुजाहरे को कहते हैं हयातियाती तकबीर या बायो मैग्निफिकेशन। तो इसको बार बार धोने से, इन कीमियाई अशियाओं को बार बार धोने से भी नहीं अलहदा किया जा सकता। ठीक है नहीं, अगर समझो एक बार अगर ये शामिल हो गए, इस ग़िज़ाई जंजीर में शामिल हो गए, तो हर बार इसका इर्तिकास बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे तग़ज़ियाई दर्जा बढ़ेगा तो इन कीमियाई अशियाओं का इर्तिकास भी बढ़ता ही चला जाएगा। तो आइए बच्चों देखें इर्तिकास कैसा बढ़ा। देखो पहले तग़ज़ियाई दर्जे से दूसरे तग़ज़ियाई दर्जे में बढ़ गया है, ऐसे ही दूसरे से तीसरे में, चौथे में और इर्तिकास बढ़ गया, और आखिरी में देखो इर्तिकास बिल्कुल ज़्यादा हो गया। तो इस मुजाहरे को हम लोग कहेंगे हयातियाती तकबीर। तो आइए एक वीडियो के ज़रिए इसे जानने की कोशिश करें। तो कीड़े मार दवाइयाँ और DDT का छिड़काव जब पौधों पर होता है तो उसकी कुछ मकदार पानी के साथ बहकर तालाब में आ जाती है, तो तालाब में पाए जाने वाले आबी पौधे इसे जज्ब करके अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। जब इन आबी पौधों को पहले दर्जे के तग़ज़ियाई दर्जे के पौधे जज्ब करते हैं तो पौधों को मुकाबले में उनका इर्तिकास बढ़ जाता है। जब उन छोटे जानवरों को वहाँ पर पाई जाने वाली छोटी मछलियाँ खाते हैं तो उन कीमियाई अशियाओं का इर्तिकास उन छोटी मछलियों में उन छोटे जानवरों के मुकाबले में बढ़ जाता है। जब इन छोटी मछलियों को वहाँ पर पाए जाने वाले बड़े मछलियाँ खा रही हैं तो इन कीमियाई अशियाओं का इर्तिकास इन छोटी मछलियों के मुकाबले में बड़ी मछलियों में ज़्यादा होता है। जब इन बड़ी मछलियों को वहाँ पर पाए जाने वाले परिंदे खा रहे हैं तो उनका इर्तिकास मछलियों के मुकाबले में और ज़्यादा हो जाता है। ठीक है नहीं, पहले तग़ज़ियाई दर्जे से दूसरे तग़ज़ियाई दर्जे में ज़्यादा बढ़ जाता है कीमियाई अशिया का इर्तिकास, ऐसे ही जब आखिरी मौके में चौथे तग़ज़ियाई दर्जे तक इनका इर्तिकास बढ़ता ही चले जाता है तो इस मुजाहरे को हयातियाती तकबीर या बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो छोटे पौधों से जानदार में, जानदार से छोटी मछलियाँ, वहाँ से फिर बड़ी मछलियाँ, और आखिरी में परिंदे में पाए जाने वाले कीमियाई अशिया का इर्तिकास बढ़ता ही चला जाता है तो इस मुजाहरे को हयातियाती तकबीर। इंसान माहौलियाती निज़ाम का एक लाजमी हिस्सा है। जैसे माहौल का असर हम पे होता है, हमारी सरगर्मियों से माहौल पर भी असर हो रहा है। तो हमारी सरगर्मियाँ माहौल को किस तरीके से मुतासिर कर रहे हैं इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो ओज़ोन परत क्या है और ये किस तरीके से पतली हो रही है, इसके सबब क्या हैं और इसके असरात क्या हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो ओज़ोन परत क्या है, ये ओज़ोन परत 3 ऑक्सीजन के सालिमों से मिलकर बनी है। तो ओज़ोन परत क्या है,
ऑक्सीजन के 3 एटमों से मिलकर बनी है। ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 एटमों से मिलकर बनी है। तो इसका काम क्या है? ओजोन क्या है? देखो, कुर्रेबाद के बहुत ऊंची सतह पर पाई गई है, ठीक है नहीं? ओजोन पर कुर्रेबाद के तबकाती कुर्रे में मौजूद है। तो इसका काम क्या है बच्चों? इसका काम है सूरज से आने वाली बाला बनफशी शुआओं को सतह ज़मीन तक नहीं पहुंचने देना। यानी क्या करती है वो? ज़मीन की सतह की हिफाजत करती है सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट शुआओं का, ठीक है नहीं? तो क्या काम है ओजोन का? ओजोन का काम है सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट शुआओं को क्या है? सतह ज़मीन तक नहीं पहुंचने देना, या सतह ज़मीन की हिफाजत करना सूरज से आने वाली बाला बनफशी शुआओं से। तो हमारी सरगर्मियों से क्या हो रहा है? हम देखो ज़्यादा से ज़्यादा रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एयर कंडीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और एरोसोल स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इनसे खारिज होने वाली एक कीमियाई अशिया है जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ठीक है नहीं? कहाँ से खारिज हुए क्लोरोफ्लोरोकार्बन? रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशन से और एरोसोल से। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करते हैं? ओजोन परत के साथ तामूल करके ओजोन परत को ऑक्सीजन में तहलील कर देते हैं। जब ये ऑक्सीजन में तहलील हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है? ओजोन की परत पतली हो रही है या वहाँ पर सुराख बनना शुरू हो गए हैं। अगर वहाँ पे सुराख बनना शुरू हो गए हैं तो ये क्या है? हमारे लिए नुकसानदायक है, इंसानों के लिए भी नुकसानदायक है और ये दूसरे जानवरों के लिए भी नुकसानदायक है। अगर ऐसे ही ये अल्ट्रावायलेट शुआएँ सतह ज़मीन तक पहुँच गई तो ये इंसानों में जिल्द के कैंसर और कैटराक्ट का सबब बन सकती हैं और दूसरे जानवरों के लिए भी ये शुआएँ बेहद नुकसानदायक हैं। तो आइए एक वीडियो के ज़रिए इसे जानने की कोशिश करें। ओजोन परत कुर्रेबाद में ज़मीन को घेरे हुई है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटमों से मिलकर बनी है। इसका काम है सूरज से आने वाली बाला बनफशी शुआओं का सतह ज़मीन की हिफाजत करना। 1980 में अंटार्कटिका के इलाक़ों में कुछ सुराख नज़र आए तो मालूम हुआ कि ये ओजोन के सुराख हैं, जिसे फेमस ओजोन होल कहे गए। तो इसकी वजह दरियाफ्त करने के लिए वहाँ पर एक एयरक्राफ्ट भेजा गया तो वहाँ पे देखा गया कि क्लोरीन ऑक्साइड वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे क्या थे? क्लोरीन ऑक्साइड मौजूद थे। तो ये क्लोरीन ऑक्साइड कहाँ से खारिज हुए? तो वजह मालूम हुआ कि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामी कीमियाई अशिया से वहाँ पे क्लोरीन थे। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन और एरोसोल्स स्प्रे में इस्तेमाल होने वाली कीमियाई अशिया है। हालांकि ये इतने ख़तरनाक नहीं है जानवरों के लिए, मगर क्या है, ये इतने इनर्ट हैं कि ये किसी से तामुल नहीं करते और ट्रोपोस्पियर को पार करते हुए ये तबकाती कुर्रे तक पहुंच जाते हैं और तबकाती कुर्रे में मौजूद ओजोन परत के साथ तामुल करके ऑक्सीजन खारिज करते हैं। इसी वजह से ये ओजोन परत पतली हो रही है। तो क्या करते हैं ये? जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर बाला बनफशी शुआएँ पड़ते हैं तो क्लोरीन क्या है? खारिज हो जाते हैं। वो क्लोरीन ओजोन के साथ तामुल करके ऑक्सीजन को खारिज कर देते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं? बहुत से ओजोन के सालिमात को ख़त्म कर देते हैं। ओजोन के सालिमात को तहलील करके ऑक्सीजन में तब्दील कर देते हैं। इसी वजह से वो ओजोन परत में सुराख नज़र आते हैं। हालांकि ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाद में तहलील हो जाते हैं, मगर ऐसा करने से तहलील करके ऑक्सीजन में तब्दील कर देते हैं। सतह ज़मीन की हिफाजत करने के लिए ये तय मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये तय पाया कि कम से कम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करें,
या इसका इस्तेमाल बिल्कुल ही बंद कर दें। तो इसकी जगह क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल करें। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जल्दी से तहलील हो जाते हैं और ये ओजोन की परत के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं हैं और ये बाद में जल्दी तहलील हो जाते हैं। तो ये क्या हो गया, सतह ज़मीन की हिफाजत हो गई बाला बनफ्शी शुआओं से। तो ऐसे ही चलता रहा तो क्या है, ओजोन परत क्या है फिर से पहले की तरह बन जाएगी। ओजोन परत में अगर सुराख हो जाएं तो क्या होता है, ये बाला बनफ्शी शुआओं को ज़मीन की सतह तक पहुंचा देते हैं। तो ये शुआएं, बाला बनफ्शी शुआएं इंसानों में जिल्द के कैंसर का सबब बन सकते हैं और ये दूसरे जानवरों के लिए भी नुकसानदेह है। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से ओजोन परत पतली हो रही है और इसके सबब क्या हैं और किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो आइए जानें हमारे ज़रिए फजलात का इंतज़ाम किस तरीके से होता है। हम इंसान क्या हैं, माहौल का एक लाजमी हिस्सा है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको बर्बाद कर दे रहे हैं। माहौल को क्या कर रहे हैं, पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं उसको, हमारी सरगर्मियों से उसको बहुत मुतासिर कर दे रहे हैं, आलूदा कर दे रहे हैं। हमारे तरक्की याफ्ता ज़िंदगी से और हमारे रहन सहन के तरीक़े से क्या है, हम माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम किसी भी शहर में चले जाएं, वहां पर हमें जगह जगह कूड़े के ढेर ज़रूर मिलेंगे। कूड़े के ढेर वहां यहां, प्लास्टिक कचरे के डिब्बियां ये सब नज़र आएंगे। तो ये क्या है, कौन से हैं यहाँ पर जहाँ कूड़े के ढेर, प्लास्टिक हो सकता है, वो शीशे जैसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बैक्टीरिया और दूसरा मुर्दा खोरों से तहलील नहीं हो पाते, इसी वजह से ये लंबे अरसे तक माहौल में मौजूद रहते हैं। तो जगह जगह कूड़े के ढेर ज़रूर मिलेंगे। तो ये कूड़े के ढेर में क्या क्या शामिल है, ये प्लास्टिक हो सकते हैं, इस्तेमाल शुदा खाली बोतलें, खाने के पैकेट, इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती, बॉर्ची खाने से निकले गए सब्जियां, बचा हुआ खाना, फलों के छिलके वगैरह, ठीक है नी। तो ये सारे क्या हैं, वहाँ यहाँ ढेर बन के नज़र आते हैं। तो आइए जानें इनमें से हयातियाती तनज़ुल पज़ीर अशिया और गैर हयातियाती तनज़ुल पज़ीर अशिया कौन कौन से हैं। तो जो भी कूड़ा करकट जमा हो रहा है, अगर वो आसानी से टूटकर छोटे छोटे मुरक्कबात में तहलील हो रहा है तो उसको हयातियाती तनज़ुल पज़ीर अशिया कहेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। क्या है वो, आसानी से आमाल से, ठीक है नहीं, जिंदा अशियों के आमाल से टूटकर छोटे छोटे मुरक्कबात में तकसीम होना है तो उनको कहेंगे हम हयातियाती तनज़ुल पज़ीर अशिया। यानी वो अशिया जो हयातियाती आमाल के असर से टूट जाती हैं, टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, तो इनको कहेंगे हम लोग हयातियाती तनज़ुल पज़ीर अशिया। ये माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि बच्चों ये काफ़ी कम अरसे के लिए माहौल में रहते हैं, क्योंकि ये दूसरे खुर्दबीनी अजसाम से क्या करते हैं, हयातियाती अमल से टूटकर छोटे सादा मुरक्कबात में तकसीम हो जाते हैं। इसी वजह से क्या है, ये माहौल के लिए इतना नुकसानदेह नहीं है, फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। हयातियाती तनज़ुल पज़ीर अशिया फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं, वहाँ से फिर पौधे जज्ब कर लेते हैं। तो इसी वजह से क्या है, ये ज़्यादा माहौल को नुकसान पहुँचाने वाली नहीं है। मिसाल के तौर पर जो हयातियाती तनज़ुल पज़ीर अशिया जो हैं वो हैं फलों के छिलके और सब्ज़ियाँ, बचा हुआ खाना, झाड़ियों की पत्तियाँ, ये सारे क्या हैं, हयातियाती तनज़ुल पज़ीर अशिया हैं। तो वो अशिया जो हयातियाती आमाल के असर से तहलील नहीं हो पाती, वो टूट कर सादा मुरक्कबात में तहलील नहीं पाती हैं, वो गैर हयातियाती तनज़ुल पज़ीर अशिया हैं। वो अशिया जो हयातियाती आमाल के असर से तहलील नहीं होती हैं, वो गैर हयातियाती तनज़ुल पज़ीर अशिया हैं। ये माहौल को नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि देखो ये माहौल में काफ़ी लंबे अरसे तक पाए जाते हैं, क्योंकि ये मुर्दाखोरों से और खुर्दबीनी अजसाम बैक्टीरिया से तहलील नहीं हो पाते आसानी से,
इसी वजह से काफ़ी लंबे अरसे तक माहौल में रहते हैं और माहौल को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो इसमें क्या क्या शामिल हैं? जो गैर हयातियाती तनाजुल पज़ीर अशियाँ हैं वो है प्लास्टिक, शीशा वगैरह। तो यहाँ पे स्क्रीन पे जैसे बता रहे हैं हम लोग, ये है गैर हयातियाती तनाजुल पज़ीर अशिया। जैसे देखो डिब्बे हैं यहाँ पे प्लास्टिक के, इस्तेमाल किए हुए डिब्बे प्लास्टिक और शीशे के, ये सारे जो हैं गैर हयातियाती तनाजुल पज़ीर अशिया हैं। ये आसानी से सड़ने गलने वाली नहीं हैं। और दूसरे तरफ जो है हयातियाती तनाजुल पज़ीर अशिया, यहाँ पे फलों के, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, पत्तियाँ और इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती, ये सारे शामिल हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोगों ने सीखा कि हयातियाती तकबीर किसे कहते हैं, यानी हयातियाती तकबीर किसे कहते हैं, यानी जहरीली कीमियाई अशियाओं का इर्तिकास। तो आज हमने सीखा बच्चों, आज की क्लास में हमने मुताला किया हयातियाती तकबीर किसे कहते हैं, यानी देखो जहरीली अशियाओं का इर्तिकास हर तग़ज़ियाई दर्जे के बाद बढ़ता चला जाता है, तो इस मुजाहरे को हयातियाती तकबीर या बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने जाना कि ओजोन पर्त क्या है। ओजोन पर्त ऑक्सीजन के 3 एटमों से मिलकर बना हुआ एक सालिमा है ओजोन का। तो इसका काम है सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट शुआओं को रोक के रखना और सतह ज़मीन की हिफाजत करना। तो ओजोन क्या है? ओजोन ऑक्सीजन के 3 एटमों से मिलकर बना है। इसका काम है सतह ज़मीन की हिफाजत करना सूरज से आने वाली बाला बनफ्शी शुआओं से। ठीक है, सतह ज़मीन की हिफाजत करना सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट शुआओं से। तो अगर समझो इसमें ऐसे ही क्लोरो फ्लोरोकार्बन इस्तेमाल होते रहे तो वो क्या करते हैं, ओजोन में सुराख बनाने का काम करते हैं, ओजोन परत को पतली कर देते हैं। अगर ओजोन में सुराख पड़ गए या सुराख नज़र आए या उसमें पतली हो गई तो बाला बनफ्शी शुआएँ ज़मीन तक पहुँचेंगी और वो दूसरे जानवरों के लिए नुकसानदार तो हैं ही, इंसान में भी ये कैटराक्ट और स्किन के कैंसर का सबब बन सकती हैं। तो हमारे पैदा किए गए फजलात का इंतज़ाम किस तरीके से होना चाहिए इसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करें। वो कचरा हयातियाती तनज़ुल पज़ीर अशिया को क्या कर सकते हैं, हम खाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सड़ा गला कर फिर खाद के तौर पर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। गैर हयातियाती तनज़ुल पज़ीर अशिया को अलहदा अलहदा करके, फ़र्ज़ करो अगर धात के हैं तो उसको अलहदा करना है, कांच के अगर हैं तो उसको अलहदा, कांच के अलग, धात के अलग, प्लास्टिक के अलग, तो उन सारों को अलग करके अगर मुमकिन हो सका तो इसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि कम से कम कचरा हम खारिज कर सकें। तो ये था इस क्लास के अहम नुकात। तो आइए कुछ होमवर्क ले लें आप लोग। तो बच्चों नोट कीजिए आपका होमवर्क। तो पहला सवाल है हयातियाती तकबीर से क्या मुराद है। ठीक है बच्चों, लिख ले आप लोगों ने। तो हयातियाती तकबीर क्या है ये बताना है आप लोगों। दूसरा सवाल है ओजोन परत में सुराख परेशानी की वजह क्यों है। लिख लिया आप लोगों ने ओजोन क्या है ये बताना है आप लोगों को। अगर उसमें सुराख हो गए तो ये परेशानी का बायस है, ये क्यों है ये बताना है आप लोगों को। और तीसरा सवाल जो है हयातियाती और गैर हयातियाती तनज़ुल पज़ीर अशिया में फ़र्क कीजिए आप लोग। ठीक है नी, कौन सा हयातियाती तनज़ुल पज़ीर है और कौन सा गैर हयातियाती तनज़ुल पज़ीर अशिया है, उनमें क्या फ़र्क है अहम, उसको लिखिए और इसको अपने उस्ताद से सही करवा लीजिए। तो इसको जहनशीन कर लीजिए एग्ज़ाम के वास्ते, ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसको जहनशीन करके अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए। ऑल द बेस्ट।